हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपाचे 164V के टायर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अपाचे का फ्रंट टायर, तो ये है टीवीएस का रेमोरा टायर, आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ये 90x90 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो अगर आपको मैं इधर से दिखाऊं तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। आपको यहाँ इसका पैटर्न दिख सकता है, इसका पैटर्न किस टाइप का, तो आप देख सकते हैं ये है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेमोरा की ब्रांडिंग भी दी गई है। तो आप बात करते हैं अपाचे 164V के रियर टायर की, तो आप देख सकते हैं ये है अपाचे 164V का रियर टायर। तो ये एक डुअल डिस्क वेरिएंट है, इसीलिए आपको पीछे में इसमें 130x70 का टायर मिलता है, जो 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 130x70 है। साथ ही साथ ये, जैसा मैंने कहा, ये टीवीएस टायर रेमोरा टायर से। अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए तो ये काफी चौड़ा टायर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें सिंगल डिस्क की, तो उसमें आपको मिलता है 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। तो अब इस टायर के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर हम इस टायर की परफॉर्मेंस देखें, डे टू डे परफॉर्मेंस देखें, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है इस टायर में। आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलता है, साथ ही साथ अगर कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इस टायर में। अगर आप कुछ अल्टरनेट की बात करें तो आप पेरेली के टायर्स भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आप बाइक बहुत ज़्यादा रेस ट्रैक्स पे चलाना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, तो आप पेरेली के टायर्स भी ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन, साथ ही साथ बहुत अच्छा कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और वीडियो देखना है रिलेटेड टू अपाचे RTR 164V, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप बाइक चलाएं तो याद से हेलमेट पहनिएगा। बाय।